एपीजे अब्दुल कलाम आजाद, जो भारतीय मिसाइल मैन के रूप में भी जाने जाते हैं, भारतीय इतिहास में सबसे प्रभावशाली व्यक्तित्व में से एक थे। वह एक वैज्ञानिक, एक शिक्षक और एक राजनेता थे, जिन्होंने अपना पूरा जीवन को राष्ट्र की सेवा के लिए समर्पित किया। 15 अक्टूबर 1931 को तमिलनाडु के रामेश्वरम में पैदा हुए, वो अपने विनम्र स्वभाव से भारतीय लोगों के एक सम्मानित और प्रिय नेता बन गए। एपीजे अब्दुल कलाम का प्रारंभिक जीवन गरीबी में बीता था, लेकिन उन्होंने इसे कभी भी उसे अपनी जिंदगी के बीच आने नहीं दिया। वह एक प्रतिभाशाली छात्र थे, जो अपनी युवा उम्र से ही विज्ञान और प्रौद्योगिकी में एक तीव्र रुचि दिखाते थे। कई चुनौतियों का सामना करने के बावजूद उन्होंने अपने सपनों का पीछा करने के लिए दृढ़ संकल्प और कड़ी मेहनत की। उन्होंने सेंट फ्रांस से भौतिकी में एक डिग्री अर्जित की, तिरुचिरपल्ली में जोसेफ कॉलेज और फिर मैड्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में एरोस्पेस इंजीनियरिंग में अपने अध्ययन जारी रखा। 1960 में कैलम रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO में शामिल हो गए और भारत के मिसाइल कार्यक्रम पर अपना काम शुरू किया। उन्होंने कई महत्वपूर्ण मिसाइल प्रणालियों के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिसमें अग्नि एंड पृथ्वी मिसाइल्स शामिल थी। भारत के मिसाइल कार्यक्रम पर उनके काम ने उन्हें मिसाइल मैन ऑफ इंडिया नाम दिया। भारत के मिसाइल कार्यक्रम में एपीजे अब्दुल कलाम आजाद का योगदान अनदेखा नहीं किया जा सकता। 1992 में उन्हें रक्षा मंत्री के वैज्ञानिक सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया था और 1999 में उनको प्रधानमंत्री के प्रमुख वैज्ञानिकों का पद दिया गया। 2002 में एपीजे अब्दुल कलाम आजाद भारत के राष्ट्रपति बने, 2007 तक कार्यरत रहे। अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने भारत में शिक्षा, नवाचार और वैज्ञानिक अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए कई काम किए। लेकिन एपीजे अब्दुल कलाम सिर्फ एक वैज्ञानिक और एक राजनेता नहीं थे, वह भारत में अनगिनत युवाओं के लिए एक शिक्षक और सलाहकार भी थे। उन्होंने विश्वास किया कि शिक्षा ही भारत की क्षमता को खोलने की कुंजी है और उन्होंने छात्रों से बात करने और उन्हें अपने सपनों का पीछा करने के लिए प्रोत्साहित करने में अपना अधिकांश समय बिताया। वह भारत में लाखों युवाओं के लिए एक मॉडल थे, जो अपने आप में विश्वास करने और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए कड़ी मेहनत करने का प्रेरणा देता था। एपीजे अब्दुल कलाम आजाद एक अच्छे लेखक भी थे, जिनके नाम पर कई किताबें थी। उनकी आत्मविश्वास पुस्तक विंग्स ऑफ फायर एक बेस्ट सेलर है, जिसने भारत में अनगिनत युवाओं को अपने सपनों का पीछा करने के लिए प्रेरित किया है। उनके अन्य किताबें, जिनमें इग्निटेड मेट्स और भारत 2020 इन शामिल है, जो बहुत लोकप्रिय है, उन्होंने और शिक्षा, नवाचार और विकास पर कई राष्ट्रीय भाषण दिए। 27 जुलाई 2015 को भारतीय प्रबंधन संस्थान शिलांग में एक व्याख्यान देने के दौरान उनका निधन हो गया। उनका निधन देश के लिए एक बड़ा नुकसान था, लेकिन उनका विरासत आज भी जिंदा है। वह एक सच्चे देशभक्त, एक दृष्टिमान नेता और भारतीय इतिहास में एक प्रिय व्यक्तित्व थे। उनका जीवन और काम भारत और दुनिया भर की युवा पीढ़ियों को हमेशा प्रेरित करती रहेगी। अंत में यही कहा जा सकता है कि एपीजे अब्दुल कलाम आजाद एक उल्लेखनीय व्यक्ति थे, जो अपने देश की सेवा के लिए अपना जीवन समर्पित कर गए। भारत के मिसाइल कार्यक्रम में उनका योगदान, शिक्षक और सलाहकार के रूप में उनका काम और उनके लेखन ने लोगों के दिमाग पर गहरा प्रभाव डाला है। उन्हें हमेशा भारतीय इतिहास में एक सच्ची प्रेरणा और एक कथा के रूप में याद किया जाएगा।